कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। इनको अपने इस कुनबे में अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो ये लोग देश पर विश्वास कैसे करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश की जनता ने हमें जब पहली बार सेवा करने का अवसर दिया तो हमने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय के जो गड्ढे थे वो गड्ढे भरने में हमारा काफी समय और शक्ति लगी। हम पहले कार्यकाल में वो गड्ढे भरते रहे। हमने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और तीसरे कार्यकाल में हम विकसित भारत को निर्माण को नई गति देंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले कार्यकाल में हमने स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी प्रकार से सुगम्य भारत, डिजिटल इंडिया, ऐसे कितने ही जनहित के कामों को अभियान का स्वरूप देकर के आगे बढ़ाए। टैक्स व्यवस्था आसान हो इसके लिए जीएसटी जैसे निर्णय लिए और हमारे इन कामों को देख करके जनता ने भरपूर समर्थन दिया, जनता ने बहुत आशीर्वाद दिए, पहले से भी ज्यादा आशीर्वाद दिए और हमारा दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ। दूसरा कार्यकाल संकल्पों और वचनों की पूर्ति का कार्यकाल रहा। जिन उपलब्धियों का देश लंबे समय से इंतजार कर रहा था वो सारे काम हमने दूसरे कार्यकाल में पूरे होते देखे। हम सब ने तीन सौ सत्तर खत्म होते हुए देखा। इन्हीं माननीय सांसदों के आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से 370 गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये दूसरे कार्यकाल में कानून बना। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंतरिक्ष से लेकर के ओलंपिक तक
सशस्त्र बलों से संसद तक नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज है। ये नारी शक्ति के सशक्तिकरण को आज देश ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक लोगों ने दशकों से अटकी भटकी लटकी योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरे होते हुए देखा।